नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं नए केस भी सामने आ रहे हैं। आज सिरसा में पिछले 24 घंटों में एक महिला समेत 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं आज 98 केस नए भी सामने आए। अब तक सिरसा में कोरोना की वजह से 90 लोगों की मौत हो चुकी है और सिरसा में अब तक कुल 6180 तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। इनमें से 647 केस ऐसे हैं जिनका उपचार चल रहा है और सिरसा में अब तक 63 जो आज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक 5443 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि सिरसा में अब तक कुल 90 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इनमें से 55 ऐसी मौतें शामिल हैं जो शुरुआती 5 दिनों में ही हुई। उन्होंने बताया कि समय रहते जांच करवाने व लक्षण मिलने के तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग को अगर सूचित कर दिया जाए तो इनमें से कुछ ऐसी जानें हैं जो बचाई जा सकती हैं या बचाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि कुल मौतों में 69 ऐसे मरीज थे जिनको पहले से उच्च रक्तचाप, शुगर, हृदय रोग संबंधी बीमारियां थी। उन्होंने बताया कि केवल 18 मरीज ऐसे थे जिनमें पहले कोई बीमारी नहीं थी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि बीमारी को छुपाए नहीं बल्कि उजागर करें ताकि समय रहते इनकी जांच की जा सके और तुरंत उपचार दिया जा सके। आप देख रहे हैं पल पल के विशेष रिपोर्ट। आज हमारे पास कोरोना संक्रमित 98 नए केस आए और हमारे पास कुल संख्या 6180 हो गई है। अभी तक हमारे पास 3 आज डेथ हुई तो टोटल हमारे पास 90 डेथ हो गई और 90 में से हमारे पास 55 डेथ ऐसी हैं जो शुरू के 5 दिनों में है, यानी मरीज हैं जैसे में बस खांसी, जुकाम, बुखार कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो बीमारी छुपा लेते हैं। अगर समय रहते अपने लक्षण आए और कोरोना की जांच करवाएं, टेस्ट कराएं और समय रहते हैं हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर दें, इलाज करा लें तो ये जान बच सकती है। क्यों हमारे पास 69 यानी 69 मरीज ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन, शुगर या गुर्दा रोगी या सांस रोगी अलग अलग बीमारी से पीड़ित थे उनकी मृत्यु हुई। 18 मरीज ऐसे जिनको कोई बीमारी नहीं थी। मैं अपने लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, अगर कोरोना के लक्षण हो कोई भी किसी तरह के भी खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में कठिनाई हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी कोरोना की जांच करवाएं और जैसे समय रहते इलाज करवाएं। जैसे अगर मान लो जिसकी उम्र कम है, ठीक ठाक है, लक्षण है तो घर पर रहते अपना इलाज करें। हमारी होम आइसोलेशन की टीम भी घर घर जाके भी चेक करती है। तो इसी तरह में लक्षण को छुपाएं ना और तुरंत बताएं।